तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर अब बन करके तैयार हुआ है और यशोभूमि का पहला फेज अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की डेडिकेटेड मेट्रो लाइन से धौला कुआं से होते हुए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और आज का दिन बहुत ही खास देश के पारंपरिक हुनर के लिए, देश के तमाम शिल्पकारों के लिए, कारीगरों के लिए, वो परंपरागत हुनर जो लगातार हाशिए पर थे, जो फोकस में नहीं थे, जहां पर रोजगार सिकुड़ रहा था, जहां पर कलाएं सिकुड़ रही थीं, उनको रिवाइव करने की एक बहुत ही मजबूत कोशिश इस वक्त आप देख रहे हैं। यशोभूमि नई दिल्ली से सीधी तस्वीर है, प्रधानमंत्री जी का यशोभूमि में आगमन हुआ। और विश्व के माइस टूरिज्म के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश की हिस्सेदारी जो माइस टूरिज्म में है उसको कैसे हम और आगे बढ़ा करके ले जा सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी पूरी बन चुकी है। अगले 5 सालों में इस पूरी हिस्सेदारी को दोगुना स्तर पर ले जाना है और उसकी जो तैयारी है। अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य करते हुए ये कलाकार ढोल नगाड़े बजाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे कलाकार विभिन्न प्रदेशों के ये लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए कलाकार यशभूमि एक भव्य इमारत यशोभूमि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर है जहां होने वाले भविष्य के आयोजन हमारे देश के अर्थव्यवस्था को गति देंगे, हमारे देशवासियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और बेहतर भविष्य के साथ जुड़ने के भी मौके देंगे। बेहद आकर्षक, बेहद भव्य यशोभूमि, और जब ये रात को लाइटों में रोशनी से नहा जाता है तो बेहद आकर्षक लगता है। दूर से ही सबको आकर्षित करता है यशोभूमि। अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।
यशोभूमि का दौरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यश भूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। जिस दूरदर्शी सोच के आधार पर यशु भूमि को तैयार किया गया है, जिस संकल्पना के आधार पर यशु भूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है कि ये यशु भूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्लेस के माध्यम से यशु भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से यशु भूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में